प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस स्नेह प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपके प्यार को देखते हुए मेरा भी प्रयास यही है कि आपको कुंडली तथा कुंडली के ग्रहों के तालमेल का अपने वीडियो के माध्यम से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराऊँ। आप लोग इसी तरीके से अगर वीडियो मेरा देखते रहेंगे तो खुद कुंडली देखने की ज्ञाता हो जाएंगे। आप लोग के सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308। दोस्तों, ये मोबाइल नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि कोई वीडियो संबंधी प्रश्न हो आप करिए, पूछिए, मैं फ्री सेवा कर दूंगा। मगर कोई मित्रगण अगर आपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करिए, उसका थोड़ा सा फीस आपको अदा करना पड़ेगा। अगर फीस आप देंगे तो पूरा विवेचन मैं कर दूंगा। आज बहुत से लोगों का फरमाइश आया है कि चंद्रमा कुंडली के किस किस भाव में बहुत अधिक लाभ देता है, अधिक अच्छा होता है और किस प्रकार का प्रभाव देता है, आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसको बड़े प्यार से सुनिए। जिसके कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, ऐसे लोग तेजस्वी होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, कर्मठ होते हैं, इनमें कार्य करने की कुशलता होती है और पूर्ण सफल जीवन में होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में चंद्रमा हो, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, ऐसे लोग व्यापारी बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं और सांसारिक सुख पूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ, क्या बात है दोस्तों, ऐसे लोग रंग से राजा बनते हैं, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है, कुमारी लड़का लड़की हैं तो इच्छा अनुसार शादी करते हैं और समाज में अपनी पहचान ये स्वयं बनाते हैं, किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं, साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, कलाकार होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं और ऐसे लोग केमिकल का, सोना चांदी का, तांबा पीतल का व्यापार करते हैं और अच्छा धन कमाते हैं। जिसके कुंडली में 11वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, लग्न से 11वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, विदेश से धन लाते हैं, ऐसे लोग उद्योगपति बनते हैं और पूर्ण उन्नति करते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए और इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा। नमस्कार।